नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितनी ये प्लांट की जो मिट्टी है कितनी सूख गई है, आप देख सकते हैं। मैंने सुबह ही बहुत ज़्यादा पानी दिया था, भर भर के पानी दिया था, और ये प्लांट्स की हालत आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए फूल भी मुरझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लांट्स कैसे मुरझा गए हैं बिल्कुल। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी सूरज देखिए कितनी गहर बरसा रहा है अभी। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे जो प्लांट्स हैं, ये देखिए जरबेरा के फूल देखिए कैसे लटक गए हैं, ये देखिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंपोस्टिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। और अभी समर का सीज़न है तो कंपोस्टिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, पेंटास की देखिए कितने फूल खिले हैं। ये प्लांट में फूल देखिए कितने सारे हैं, फिर भी ये जो लीव्स हैं ये जल रहे हैं क्योंकि इसको धूप ज़्यादा लग रही है। तो क्या करें, इसको सारे प्लांट्स को तो हम छांव वाली एरिया प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो यहाँ पर देखिए मेरे कुछ रेन लिली खिले हैं, यहाँ पर दो भी खिले हैं, और ये जो पर्सलिन और इतने पॉर्चुला का है ये सारे अभी बंद हो गए हैं। और ये वाला देखिए, ये जो बेबी पिंक का है बहुत ही खूबसूरत है, ये पूरा पॉट में भरा हुआ है पर इनमें थोड़ी सी कम अभी फूल खिल रहे हैं। इनको मैंने स्टेम लाकर ही लगाया था, कटिंग से ग्रो किया हुआ है ये जो पॉट। ये सारे पॉट मैंने जो तैयार किए हैं ये सारे कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मिट्टी कैसे सूख गई है आप देख सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। ये है मेरे कंपोस्टिंग के ड्रम्स, और यहाँ पर देखिए ये लिक्विड खाद कितना ज़्यादा बह गया है। और आज सुबह ही मैंने कुछ प्लांट्स पर लिक्विड फर्टिलाइज़र का अप्लाई किया हुआ है। ये जो दोस्तों जो लिक्विड फर्टिलाइज़र रहता है बहुत ही मिराकल रिजल्ट इसका आता है। और इसका जो जितना ये पुराना होगा उतना ही अच्छा है। तो मैंने अभी भी भर कर रखा है, मेरा 1 साल पुराना भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे कंपोस्टिंग चल रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और ये पॉट अभी हाफ कंपोस्ट हुआ है और ये बिल्कुल डिकम्पोज हो चुका है। ये देखिए पूरा भर गया था ये, और उसके बाद ये देखिए कैसे बैठ गया है, ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं पहले धूप में थोड़ी सी दिखा दूँगी और फिर इसको छान लूँगी छलनी से, तो फिर जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे तो फिर कंपोस्टिंग में इसको रख दूंगी। और इस तरह से मैंने यहाँ पर भी कंपोस्टिंग किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और ये थोड़े से अभी कम हुए हैं, ये अभी और भी डिकम्पोज होना बाकी है, ये देखिए। और दोस्तों जो भी हमारे ये देखिए ये चीज़ आ गया, आम की गुठली भी इसमें आ गया है। ये जितना भी किचन कंपोस्ट किचन वेस्ट होता है मैं उसको ऐसे ही कंपोस्ट बना लेती हूँ, और कुछ को तो गमलों में भी कर देती हूँ। देखिए दोस्तों ये जो हुआ है इसको थोड़े से इसमें डाल देंगे तो इसके जो कंपोस्टिंग है ये और भी जल्दी होगी, ये देखिए। और इसको दोस्तों हफ्ते में एक बार तो हिलाना ही पड़ता है ऊपर नीचे होने से, ये फिर जल्दी कंपोस्टिंग होगा। तो अभी तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, समर में ये कंपोस्टिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। और ये देखिए मेरा ये जो हमारे यहाँ प्रसाद आता है इसका ये बड़ा सा कड़ुआ है, इसमें मैंने बनाया है। ये मिट्टी का है और ये वाला प्लास्टिक का है। तो मिट्टी के घड़े में तो बहुत अच्छी तरह से कंपोस्टिंग बनता है और प्लास्टिक में भी बन जाता है, पर इसको मैं हमेशा ढक कर रखती हूँ एक ब्लू वाले सीट में प्लास्टिक के। तो अभी निकाला है, यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी तो निकाला है,
फिर से मैं इसको ढक दूंगी क्योंकि ये छाए वाला एरिया में रहना चाहिए और ये बिल्कुल मेरे खुली छत पर ही है। यहाँ पर दोस्तों एक पेड़ हुआ करता था बेल का, और बेल पत्तर जो होता है बेल पत्ता उसी का पेड़ होता था, तो यहाँ इस एरिया बिल्कुल छांव होता था। तो इसी के नीचे में ये कंपोस्ट वाला जो ड्रम है इसको मैं रखती थी, पर अभी ये तो नहीं है तो ऐसे ही खुले हैं तो मैं ढक कर ही रखती हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लांट्स कैसे मुरझा गए हैं, और ये मिर्च का प्लांट में अभी फूल भी आ रही हैं, और इसमें भी मैंने आज लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है, वही कंपोस्ट वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र। और मैंने ये जो मोगरे के प्लांट हैं इनमें भी अप्लाई किया हुआ है ये वाला फर्टिलाइज़र, और टिकोमा में भी दिया है, यहाँ नागचंपा में भी अप्लाई किया हुआ है, और ये कुंदा में भी अप्लाई किया हुआ है। कुछ परमानेंट प्लांट होते हैं जो कि मुझे लगा कि ये हार्डी प्लांट है, ये इसको झेल सकते हैं ये फर्टिलाइज़र को, उसी में मैंने ये फर्टिलाइज़र अप्लाई किया हुआ है। और जैसे कि सीजनल फ्लावर, ये देखिए पेंटास में मैंने नहीं दिया, जबेरावे में मैंने नहीं दिया, और ये जो सारे विंटर सीजन के फ्लावर्स हैं इन पर मैंने नहीं दिया। और हाँ दोस्तों, कभी भी एडेनियम्स पर ये फर्टिलाइज़र का अप्लाई करना नहीं चाहिए, और हाँ एक्सरा में आप कर सकते हैं पर मैंने नहीं किया है। और देखते हैं, पहले ये रिज़ल्ट देखती हूँ। मैंने इसको बनाया तो है बहुत सारा, पर इसको मैंने अप्लाई पहली बार किया है, और बहुत एक साल हो गया अभी बनाकर कंपोस्टिंग का ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, आगे चल के मैं दिखाती हूँ। चलिए मैं कैमरा को बंद नहीं करती, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कम धूप आती है। ये देखिए ये वाला वाटर, ये 8 महीने हो गए होंगे, और ये 1 साल का, ये देखिए ये भी 1 साल का, ये सारे बिल्कुल तैयार होकर रहे हैं, और इसको मैं अप्लाई करूँगी फिर, और बहुत सारे काम हो जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ अप्लाई करना। वैसे मैं एंजाइम भी मैंने बनाकर रखा हुआ है, जो कि मेरी गोल्ड का एंजाइम बनाकर रखा हुआ है, पर उसको भी मैंने अप्लाई अभी तक नहीं किया, वो भी 1 साल के ऊपर हो गया है। फिर किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो भी। और तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।